Hello students, welcome to another session of the chapter that is tissue. In the last class we are discussing about the simple permanent tissue और जिसमें हम लोगों ने बात किया था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में डिटेल से देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या बात बोला था कि पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आर द लिविंग टिश्यूज वेयर एज स्क्लेरेन्काइमा इज डेड एंड डेड क्यों तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने बात क्या बोला था कि जैसे पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल रहता है वो थिन रहता है और सेलुलोज का बना हुआ रहता है, वहीं पर कोलेन्काइमा में बात वो क्या बोले थे कि सेलुलोज के अलावा पेक्टिन्स का डिपोजिशन कोलेन्काइमा में रहता है, वहीं पर स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन्स का डिपोजिशन रहता है। उसके बाद क्या बोले थे कि जो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नॉर्मली देखा जाता है, वहीं पर कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहते हैं, यानी खत्म रहते हैं, नहीं प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सब तमाम बातों को हम लोग यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में देख लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग क्या बात बोले थे कि ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, एक जैसे सेल से, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो चूंकि एक जैसे सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब सभी के सभी सेल्स क्या करेंगे, एक ही जैसा काम करेंगे, यानी वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एंड पर वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करेंगे। ठीक है, इसी को तो हम लोग टिश्यू बोल देते हैं। तो ये टिश्यू है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, यानी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक एक काम करने के लिए दोनों बना हुआ है। दोनों का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। टर्म समझ में नहीं आया, कौन सा टर्म समझ में नहीं आया, प्रीवियस क्लास का जाकर देख लेना। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, और इसीलिए इसको हम लोग दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल, आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल। दोनों को मिलाकर क्या बोल दिए, वैस्कुलर बंडल बोल दिए। तो चूंकि ये कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ये कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है किसी चीज को, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ये जाइलम और फ्लोएम को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। जाइलम, ठीक है, जाइलम। अब जाइलम को क्या बोलते हैं, दिस जाइलम इज कॉमनली कॉल्ड वुड। हम लोग इसको वुड बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड वुड। जो भी जैसे अभी हम लोग अभी आसपास के घरों के आसपास देखे या कुछ पेड़ पौधे जो दिखेंगे, जैसे कि आम अमरुद वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होता है, आम के पेड़ पर देखते हैं एक मोटा सा छाल रहता है, छाल को जिसको बार्क बोलते हैं। तो बार्क के अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोल दिए,
उसको हम लोग बोल देते हैं वुड बोल देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जाइलम को हम लोग कॉमनली वुड बोलते हैं। अब ये जाइलम बना किस चीज का है, तो जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहेगा। तो इसमें जाइलम में चार डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो दिस जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स। फोर टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सा, तो जैसे कौन कौन सा है, एक है ट्रैकिड्स, दूसरा है जाइलम वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अब देखिए इन चारों में से ये जो है हम लोग को पैरेन्काइमा लिविंग है, ठीक है। दिस वन इज लिविंग सेल्स, बाकी तीनों का तीनों क्या हो गया, ये तीनों ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये सब का सब क्या है, डेड टिश्यू है, डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस जाइलम इज कॉमनली कॉल्ड डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो अब इस जाइलम का काम क्या है, ठीक है, तो जाइलम का काम क्या रहता है, वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि ट्रैकिड्स का काम क्या है, कैसा दिखेगा, उस टाइप का बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो डेड यहाँ पर हम लोग बात करें, ये डेड सेल्स है। डेड सेल्स क्यों है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स, हम लोग स्क्लेरेन्काइमा में बात किए थे कि सेल वॉल के ऊपर में लिग्निन्स का डिपोजिशन रहता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेड सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन्स, ये लिग्निन्स के कारण एब्सेंट हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं। पहला जिसका सेल कंपोनेंट्स को क्या है, ट्रैकिड्स, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग शेप की बात करते हैं, तो दिस इज इलोंगेटेड ट्यूब के जैसा देखने में लगता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज डेड, हम लोग तो पहले ही बात कर ले कि ये सब का सब डेड है एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, ठीक है। और इसके पास जैसे ये इलोंगेटेड है, तो इसके पास कैसा रहेगा, टैपरिंग एंड्स रहेगा, टैपरिंग एंड की बात करेंगे, हैव टैपरिंग एंड। अब ये टैपरिंग एंड क्या है, तो जैसे देखिए इस तरीके से देखने में लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, इलोंगेटेड ट्यूब के समान है, ठीक है। अब ये जो एंड कहलाता है, दिस एंड इज कॉल्ड द टैपरिंग एंड, दोनों तरफ नुकीला पॉइंटेड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैपरिंग एंड बोलते हैं। और इसके बीच बीच में ये सब क्या प्रेजेंट है, ये सब पिट्स प्रेजेंट है, पिट्स, क्योंकि हम लोग स्क्लेरेन्काइमा बात किए थे, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, तो आपस में सेल कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, कहीं कहीं पर लिग्निन्स का डिपोजिशन नहीं होता है, और जहां पर नहीं होता है उसी जो पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिड्स में क्या बोल दिए, पिट्स प्रेजेंट रहेगा और टैपरिंग एंड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट था सेल वेसल्स, जाइलम वेसल्स की बात करते हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स। अब इसमें ये इसका भी इलोंगेटेड ट्यूब के समान ही देखने में लगेगा, लेकिन क्या है, वेसल्स। अब वेसल्स कैसे बनाएंगे, मतलब जार जैसा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो छोटा छोटा अगर पॉइंट एक के ऊपर एक रखते हुए चलेंगे तो वे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा बन जाएगा। तो मतलब हम लोग वेसल्स जो दिखने में लगेगा, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वेसल्स इज ए सीरीज ऑफ इलोंगेटेड ट्यूब लाइक क्या चीज, डेड सेल्स, ये डेड सेल्स ही मिलकर बना हुआ है, तो ये इलोंगेटेड सीरीज लेकिन है, ठीक है, एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ रहता है, यानी हम
हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्लेस्ड एंड टू एंड एंड टू एंड विथ वॉल डिजॉल्व्ड। अब देखिए ये इसका मतलब क्या हो, वॉल डिजॉल्व का मतलब, तो जैसे देखिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, अब एक के ऊपर एक रखेंगे और चूंकि डेड है तो ये सब अब इससे इसमें वाटर जाना चाहिए, कैसे वाटर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये जब प्लेस करेंगे एक के ऊपर एक रखेंगे तो जब तक ये सब जो डिजोल्व नहीं होगा, ये सब जो क्या बोल रहे हैं, ये वॉल एक के ऊपर एक रखते ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये हो गया, तो ये जो ज्वाइंट है ये वाला अगर डिजोल्व हो जाता है तो क्या हो, वाटर बिल्कुल ट्यूब के समान बन जाएगा, वेसल्स के समान बन जाएगा, मतलब ये वाटर कंडक्शन आराम से होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि दिस वेसल्स इज प्लेस्ड एंड टू एंड, एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहता है विद वॉल डिजोल्व, यहाँ पर जो वॉल दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो सब डिजोल्व हो जाएगा, और जब डिजोल्व हो जाएगा तो आसान से कंडक्शन हो जाएगा वाटर का, क्योंकि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड पॉइंट है इसका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा पूरे जाइलम में एक ये एकमात्र पैरेन्काइमा सेल्स है जो कि लिविंग है। तो सबसे पहली बात क्या हो गया, लिविंग सेल्स, ये हो गया लिविंग सेल्स, ठीक है। अब लिविंग है मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास थिन सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, इट हैज थिन सेल वॉल, ठीक है। अब ये लिविंग है तो ये काम क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, फूड को स्टोर करेगा एंड वाटर को कंडक्ट करेगा, वाटर तो कनेक्शन कर ही रहा है, तो कंडक्ट्स वाटर एंड सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, फूड का स्टोरेज कर लेगा क्योंकि ये लिविंग है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप का जो सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो अब ये स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहा, और हम लोग जानते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल से मिलकर बना हुआ है, डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये एकदम सीधा सीधी तौर पर याद रखिएगा कि स्क्लेरेन्काइमा डेड क्यों हुआ है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये सीधा सीधी तौर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, आपके नाइन्थ क्लास की बात कर रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो दिस स्क्लेरेन्काइमा इज डेड सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, और स्क्लेरेन्काइमा का शेप हम लोग बात किए थे जिसमें दो टाइप का शेप बात किए थे, एक राउंड शेप जिसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग नाम दिए थे स्टोन सेल्स, और दूसरा फाइबर के समान प्रेजेंट रहता है, धागे जैसा प्रेजेंट रहता है, जैसे हम लोग बात किए थे कि कोकोनट के क्वायर में जिससे रस्सी बनाते हैं, तो यहाँ पर जो स्क्लेरेन्काइमा रहता है ये फाइबर के जैसा रहता है, फाइबर लाइक इलोंगेटेड डेड सेल्स है, ठीक है, और इसके पास थिक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और थिक क्यों है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स, तो थिक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरे चार टाइप का, चार कंपोनेंट से मिलकर हमारा जाइलम बना हुआ है, कौन कौन सा, तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात बोले, ट्रैकेट्स इलोंगेटेड है, डेड सेल से मिलकर बना हुआ, टैपरिंग एंड्स प्रेजेंट है, वेसल्स में क्या है कि वही जो इलोंगेटेड सेल्स है वो एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ है मतलब उन सभी के बीच में जो वॉल आता है वो उसको डिजोल्व होना पड़ेगा, मतलब परफोरेटेड पोरस वॉल हो जाएगा। इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि ये एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है तो कंडक्ट कर देगा, इसके आसपास भी तो सेल्स रहेंगे, तो आसपास का सेल्स कैसे कंडक्ट करेगा, तो आसपास का सेल्स इन सभी में क्या बोलेंगे हम लोग, पिट्स प्रेजेंट रहता है, छोटा छोटा होल्स प्रेजेंट रहता है, तो जिसके कारण ये साइड से साइड वाले सेल्स को
ट्रांसपोर्ट कर देगा वाटर, लेकिन एक दूसरे को ऊपर से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हुए चलेगा तो ये बीच वाला जो वॉल है वो पोरस हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा की बात की, जाइलम पैरेन्काइमा अपने आप में सिर्फ लिविंग सेल्स है जो कि वाटर कंडक्शन के साथ साथ इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। और उसके बाद जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तो डेड है ही, किसके कारण, लिग्निन डिपोजिट होने के कारण, और इसका सेल वॉल ठीक प्रेजेंट रहता है। तो अब बात करते हैं क्या कि ये जो जाइलम रहता है वो कहाँ पाया जाता है। तो चूंकि अब ये देखिए जाइलम कहाँ पर पाया जाएगा, सोचने वाली बात है, तो जाहिर सी बात है जाइलम का मेन काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर कहाँ से कंडक्ट करता है, रूट से, तो मतलब कि रूट में प्रेजेंट रहता है और ये पूरे स्टेम में ट्रेवल करता है, मतलब स्टेम में और लीफ के एंड पोर्शन तक प्रेजेंट रहता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो जाइलम, जाइलम इज फाउंड इन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल ऑफ द प्लांट इन रूट स्टेम एंड लीव्स। कैसे, जैसे ये देखिए ये हम एक सिंपल तौर पर प्लांट बना रहे हैं, ये हमारा सॉइल सरफेस हो गया, सॉइल हो गया, ये हमारा इसका रूट इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर ढेर सारा सॉइल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और इसी में वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो वाटर का कंडक्शन इसके थ्रू यानी रूट से होते हुए ये स्टेम के थ्रू होते हुए ये पहुंचेगा एंड पर, और यहाँ पर एंड पर लेट सपोज यहाँ पर लीफ प्रेजेंट है और लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए हम लोग की वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द रूट, ये हमारा रूट हो गया, ये हमारा स्टेम हो गया और ये हमारा लीफ हो गया। तो लीफ तक वाटर पहुंचाने का काम करता है जाइलम, तो ये तीनों में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन काम क्या है। तो अभी हम इतना देर से बोल ही रहे हैं क्या चीज कि इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन कंडक्ट कंडक्ट लिखते हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। मिनरल क्यों बोल रहे हैं, तो मिनरल्स चूंकि सॉइल्स में मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं तो वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में मिनरल्स भी ट्रेवल कर जाता है। अब कैसे, देखिए इसका डायरेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो जाइलम का कंडक्शन क्या देख रहे हैं, रूट से सूट, सूट से फिर और ऊपर सूट, सूट से फिर लीफ में गया, और लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि लीफ से फिर स्टेम में आएगा और स्टेम से रूट में जाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। चूंकि लार्ज नंबर में वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल्स में, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि लीफ में सनलाइट पड़ता है तो यहाँ पर वाटर को यूटिलाइज किया जाता है और साथ में वाटर लॉस भी होता है, तो यूटिलाइज कर लेते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और जब स्टोमेटा खुलता है तो कुछ वाटर लॉस भी होता है, तो मतलब वाटर की कमी तो हम लोग को लीफ में रहेगा, इसीलिए ये जो जाइलम का कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम रूट टू लीफ या स्टेम, वो भी एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। क्या बात बोले, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो दिस कंडक्ट यानी जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में ये अपने आप को कंडक्ट करेगा, किधर से, रूट से सूट, सूट से लीफ, कभी भी लीफ से स्टेम और स्टेम से रूट की तरफ कभी नहीं आएगा वाटर, क्यों नहीं आएगा इसका भी डिस्कशन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज इसका फंक्शन है, तो देखिए कैसे फंक्शन है, तो हम लोग क्या देखें कि ट्रैकिट्स हो गया, वेसल्स हो गया, स्क्लेरेन्काइमा सब का सब डेड है, डेड है तो वो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस ऑल्सो, दिस जाइलम ऑल्सो गिव या प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्लियर हो गया बात, ये हम लोग बात किए क्या चीज का, जाइलम का बात किए। अब हम लोग बात करेंगे
जो कि सेकेंड टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें, क्लियर है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं फ्लोएम। तो अब कौन सा आ गया? फ्लोएम। और फ्लोएम हम लोग जानते हैं कि ये कंडक्शन किसका करता है? फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि फ्लोएम ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है, तो इसका मतलब कि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि दिस फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा टाइप का सेल से मिलकर बना हुआ है। टाइप ऑफ सेल्स तो किस किस सेल से मिलकर बना हुआ है? तो इसमें एक जो पहला आता है दैट इज कॉल्ड द सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब। दूसरा टाइप का सेल्स है कैंपेनियन सेल्स, कैंपेनियन सेल्स। तीसरा पैरेन्काइमा, तो यहां पर हम लोग उसको स्पेसिफाई करने के लिए फ्लोएम पैरेन्काइमा लिख देते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो चौथा है वो है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब चूंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स रहता है, तो हम लोग जाइलम में पढ़े या फ्लोएम में पढ़े, तो हो सकता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के जगह पर यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स भी दिखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के जगह पर जाइलम फाइबर्स भी देखने को मिलेगा, फाइबर्स, ठीक है? तो मतलब ये चार डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें देखिए क्या देखिए, विचित्र चीजें देखिए। ये जो हमारा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स से मिलकर बना है। क्यों? तो ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ये तो एकदम गांठ बांध लीजिए, ये तो याद रहना ही चाहिए। बाकी क्या है? तो बाकी तीनों जो सेल्स इसमें पाए जाते हैं वो सब क्या है? लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स। इसीलिए हम लोग बोलते क्या है कि दिस फ्लोएम इज कॉमनली कॉल्ड लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू इसको बोलते हैं, और जाइलम को डेड टिश्यू बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्यों लिविंग बोलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स आर लिविंग, तो इसीलिए इसको हम लोग लिविंग टिश्यू, फ्लोएम को लिविंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे सीव ट्यूब्स की बात करेंगे। चलिए तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, पहला इसमें कंपोनेंट्स क्या है, तो सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब, अब ये जो फ्लोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सीव ट्यूब इज मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिविंग है, चलिए लिविंग है, लिविंग भी हम लोग लिख देते हैं, दिस इज लिविंग, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब लेकिन ये इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, दिस इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ रहता है स्टैक, या हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, एक के ऊपर एक सेल्स लगा हुआ रहेगा, ठीक है? तो जो एक के ऊपर एक सेल्स लगा हुआ रहेगा तो परफोरेटेड पोर्स कहलाएगा, उसको हम लोग सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए इस सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ऐसा नहीं कि बचपन से न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, मतलब कि ये मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, ऑन मैच्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीव ट्यूब्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है? बट साइटोप्लाज्म रहेगा, बट साइटोप्लाज्म डू हैव, इसके साइटोप्लाज्म है और इसलिए डेड है। लेकिन ऐसा नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस निकल जाता है, लेकिन ये जब बचपन में रहता है, जब मैच्योर नहीं रहता है, तो इसके पास न्यूक्लियस रहता है। तो अब अगर न्यूक्लियस खत्म हो जाए
तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, तो ये इसको कंट्रोल करने वाला रहता है इसके बगल में कैंपेनियन, सहारा देने के लिए सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको कैंपेनियन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एंड टू एंड जो वॉल रहता है वो उस प्लेट को, उस पोर को हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स बोलते हैं, यानी एंड वॉल विथ पोर इज कॉल्ड सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स। जैसे क्या देख रहे हैं डायग्राम में, देखिएगा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट है, इधर से इधर भी पिट्स प्रेजेंट है, तो ये इस इधर से इधर कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स बोलते हैं, ये सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी के बगल में हम लोग के लिए एक इसको सहारा देने के लिए जो सेल्स प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग कैंपेनियन सेल्स बोलेंगे, कैंपेनियन सेल्स। अब कैंपेनियन सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बी दूसरा पॉइंट क्या है, कैंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब कैंपेनियन सेल्स का हम क्या बोले, ये सीव प्लेट से अटैच रहता है, तो दिस इज अटैच्ड विद, दिस इज अटैच्ड विद क्या चीज, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब, ठीक है। अब इसके पास न्यूक्लियस रहेगा, दिस हैव द न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा रहता है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड कैंपेनियन सेल्स रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इलोंगेटेड इन शेप लिख लीजिए, इलोंगेटेड इन शेप। इसका काम क्या है, तो दिस हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा ये बात तो हमने यहां बताई नहीं, हैव न्यूक्लियस दैट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब को भी उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, किसका न्यूक्लियस, कैंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। चलिए तो हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो ये लिविंग है, तो लिविंग है तो थिन वॉल रहेगा, लिविंग, ठीक है। इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज का, फूड स्टोरेज, ठीक है। इसका अब लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इसका क्या है, फ्लोएम फाइबर्स की बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स अपने आप में क्या बोले, दिस इज डेड टिश्यू है, डेड क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये हम लोग चार डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की बात कर लिए जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कि फ्लोएम प्रेजेंट कहाँ पर रहता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे जाइलम, तो ठीक उसी तरीके से ये हम लोग को स्टेम, रूट्स और लीफ में प्रेजेंट रहेगा, यानी लोकेशन ऑफ फ्लोएम की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ फ्लोएम। तो दिस इज फाउंड इन स्टेम रूट्स एंड लीव्स। ये जाइलम के साथ साथ ही रहता है, तो दिस इज फाउंड अलोंग विथ जाइलम इन वैस्कुलर बंडल, इन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात कर लिए। तो अभी हम क्या बोले, फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करवाना, तो इसका हम लोग बोल दिए कि इट कंडक्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, मटेरियल। अब ये हर डायरेक्शन में ये अपने आप को ट्रांसलोकेट कर देता है फ्लोएम, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि द कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल इन
मल्टी डायरेक्शनल, और हम लोग बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। कैसे? तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज ये एक प्लांट का स्टेम है, इधर सॉइल वाला पार्ट्स हो गया, नीचे रूट हो गया, इधर रूट हो गया। लेट सपोज यहाँ पर हम लोग को क्या है, लीफ है, इस तरीके से लीफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो फूड प्रिपेयर हुआ, फूड प्रिपेयर। अब इस फूड को हो सकता है ऊपर भी कंडक्ट करवा दे, हो सकता है सामने वाले ब्रांच को भी फूड का जरूरत रहे, हो सकता है पत्ता या ना लीफ में रहे इस स्टेम पर, तो क्या होगा, इसको भी फूड कंडक्शन करवाएगा। फिर नीचे रूट तक भी, तो रूट को भी तो फूड चाहिए, तो रूट तक आएगा, ये रूट है हमारा। तो मतलब क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन में गया। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे कि दिस कंडक्ट्स विद प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स इन बाई डायरेक्शनल, दोनों हर एक डायरेक्शन में ये फूड को ट्रेवल करवाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोएम, एंड जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर क्या बना दिया, वैस्कुलर बंडल बना दिया, ठीक है। तो दिस इज द परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब एक हम लोग को पढ़ना रह गया है क्या चीज, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस, और आपके एनसीईआरटी से बियॉन्ड एक और बात करेंगे, कॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।